देवेंद्र के चैन नहीं पड़ता। देवेंद्र आता है और देखे क्या सोचता है, क्या विचार करता है, पारों के घर की तैयारी कैसे करता है। देवेंद्र सिंह देवेंद्र काकी देखो रिकॉर्डिंग हो रही है। हराम चाबी तू फिर आ गया 10 मिनट 12 मिनट हो गया है बस उसके बाद मैं आया हूँ। जहाँ अच्छी सीन हुई है जहाँ घास देखेगा वहाँ का घास हम जाए हम जाए क्या हम वहीं पे बैठे हैं। जल्दी से शादी कबूल कर ले। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चुपचाप मेरे घर से चले जाओ। मैं उस दिन चला गया था काकी, हम तुम्हें क्या ठीक कह रहे हैं? ऐसा ही करो इसलिए आप 15 मिनट हमारे सब पे चली जा रही हो। बोला मैं शादी करूंगा तो छाया से करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, फिर शादी छाया से कभी नहीं होगी। चुपचाप मेरे घर से चले जाओ। जाम क्या शादी नहीं होगी? हाँ कभी नहीं होगी शादी। ये तो तू रास्ते का कांटा बनती थी, अब देखता हूं शादी होने से कौन रोकेगा। हराम जादे मेरी माँ को मार दिया। क्या माँ को क्या करेगी, अब भतार की लायक की हो गई है। अब काम चला, बड़वाल मिल बंद है लेकिन जरवल चालू हो जाएगा। जय बजरंग बली, बंदूक ले और इसकी लाश, पहले इसकी लाश लेकर जा और इसको मैं देखता हूं। जय बजरंग बली। अब हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। जवानी की मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। हम बहुत सुअर हैं लेकिन कैसे बाग है सारे का मौका ना मिले। 5-7 जूता मारा लेकिन जूता का पहने नहीं रही थे ना। मतलब नहीं, हाथ तो हमारे पर मैं भी सुनो महेश जोड़ते हैं फिर भी हम उन सालों के लात मार देती है। हाँ जाने तो दूंगा लेकिन चिव बिलौटा करने के बाद। ए चल पप्पी दे इधर आ। एक तुम्हारी बात सुन, अभी बता रहा हूं। ए दुपट्टा हटा।
इधर आ, बहुत कटिली नचनिया है क्यों रे? ए से बहुत सख्त बड़ी नफरत है, क्योंकि हम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन हमारे गांव में हैजा आया था। काफी लोग मरे थे, हजारों औरतें हमारे गांव में लड़ बैठी है। आज हम बहुत बड़े सुअर हैं। इधर आओ, इंसान की नहीं चमरगिद्ध की आंख है। तेरी जवानी ने मुझे पागल बना दिया। जूता बनाया सर के लिए हवेली से कहीं बाहर फेंकते, यानी बेहोश हो गए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, हम उठा के बाहर करें। हाँ जल्दी ऐसे। और ये बात की पता किसी से कानो कान नहीं होना चाहिए।
अरे साले ए सेंड देख सेंड सेंड है कि डाले ना क्या बात है उन्हें लगा हट बस कर